पहले के समय एक तौलिया से पूरा घर नहाता था। दूध का नंबर बारी बारी आता था। छोटा माँ के पास सोकर इठलाता था। पिताजी से मार का डर सबको सताता था। बुआ के आने से माहौल शांत हो जाता था। पूड़ी खीर से पूरा घर रविवार मनाता था। बड़े भाई के कपड़े छोटे होने का इंतजार रहता था। स्कूल में बड़े की ताकत से छोटा रोब जमाता था। बहन भाई के प्यार का सबसे बड़ा नाता था। धन का महत्व कभी सोच भी न पाता था। बड़े का बस्ता, किताबें, साइकिल, कपड़े, खिलौने, पेंसिल, स्लेट, स्टाइल, चप्पल, सबसे मेरा नाता था। मामा मामी, नाना नानी पर हक जताता था। एक छोटी से संदूक को अपनी जान से ज्यादा प्यारी तिजोरी बताता था। अभी के समय तौलिया अलग हुआ, दूध अधिक हुआ, माँ तरसने लगी, पिताजी डरने लगे, बुआ से कट गए, खीर की जगह पिज्जा, बर्गर, मोमो आ गए, कपड़े भी व्यक्तिगत हो गए, भाइयों से दूर हो गए, बहन के प्रेम की जगह गर्लफ्रेंड आ गई, धन प्रमुख हो गया, अब सब नया चाहिए, नाना आदि औपचारिक हो गए, बटुए में नोट हो गए, कई भाषाएं तो सीखे मगर संस्कार भूल गए, बहुत पाया पर कुछ खो गए, रिश्तों के अर्थ बदल गए, हम जीते तो लगते हैं पर एहसास व संवेदनाहीन हो गए। ये बातें सच हैं या झूठ, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें।